हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। महिला कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष का बाड़मेर दौरा, महंगाई को लेकर किया तीखा प्रहार, बोली सन्यासी जीवन जीना आसान है लेकिन परिवार को साथ में लेकर चलना सबसे बड़ी तपस्या है। बाड़मेर महिला कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष रेहाना रियाज महिला सम्मेलन में भाग लेने के लिए बाड़मेर पहुंची। मीडिया से बातचीत करने के दौरान महंगाई को लेकर मोदी सरकार पर जुबानी हमला बोलते बोलते बिना नाम लिए पीएम के निजी जीवन पर हमला बोलते हुए कहा कि जो इंसान अपनी माँ के दर्द को नहीं समझ सकता, पत्नी छोड़कर जीवन जी रहा है, उनकी संवेदनाएं शून्य है। सन्यासी जीवन जीना आसान है, परिवार को साथ लेकर चलना सबसे बड़ी तपस्या है। महिला कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष रेहाना रियाज कांग्रेस के महिला सम्मेलन कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए बाड़मेर पहुँची है। रेहाना रियाज ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मैं जालौर में थी तो काफी संख्या में महिलाएं ग्रामीण इलाकों से आई थी। महिलाएं सभी महंगाई को लेकर परेशान हैं। स्मृति ईरानी, हेमा मालिनी और किरण खेर सब कहते थे कि बहुत महंगाई की मार। स्मृति ईरानी, हेमा मालिनी और किरण खेर सब कहते थे कि बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, लेकिन अब गैस के भाव दुगने से भी ज्यादा हो गए हैं। गृहिणी महिलाएं मुसीबत में हैं। एक तरफ कोरोना की मार की वजह से लोगों की इनकम कम हो गई है तो दूसरी तरफ महंगाई की वजह से महिलाओं को बड़ी परेशानी आ रही है। कांग्रेस लगातार महंगाई को लेकर प्रदर्शन भी किए, लेकिन प्रदर्शन करने का असर संवेदनशील व्यक्ति के ऊपर होता है। जो अपने माता के दर्द को नहीं समझ सकता, जो अपनी पत्नी को छोड़कर अपनी जिंदगी जीने के लिए निकल पड़ते हैं, जिनमें संवेदनाएं शून्य है, वो क्या समझ सकते हैं किसी की आम गृहस्थ महिलाओं के दर्द को। रियाज बोली कि मुझे ऐसा लगता है कि सन्यासी बनना बहुत आसान है, लेकिन गृहस्थी तपस्या सबसे बड़ी तपस्या होती है। इस देश की महिलाएं बहुत परेशान हैं, महंगाई को लेकर लगातार जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन बेअसर है, महंगाई पर कोई एक्शन नहीं लेना चाहते हैं। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए महिला कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष रेहाना रियाज, इन्होंने ये कहा, गिरफ्तार कर लिया गया, इसको लेकर आपका क्या कहना है? इससे ज़्यादा अंतर्गत क्या हो सकता है? जो अन्नदाता है उसको गिरफ्तार किया जा रहा है, उनको कुचला जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनके समस्या आप सुन नहीं रहे हो और उनको कुचल कर मार रहे हैं। आपके सरकार के मंत्री और उनके रिश्तेदारों द्वारा वो कुचले जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, जो इस देश की हक के लिए अपने घर परिवार छोड़ करके वो किसान घर बैठे हुए हैं और जो आवाज़ उठाने के लिए जाते हैं, उनके हक में बात करने जाते हैं, उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। इससे तगड़ी अंधेरगर्दी की क्या मिसाल हो सकता है? चौपट अंधेर नगरी चौपट राजा वाली जो कहावत है उसको ये बीजेपी वालों ने चरितार्थ करके दिखा दिया इस जमाने में। जागरूक टीवी के बाड़मेर से ठाकरा मेघवाल की रिपोर्ट।